सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। फिलहाल खड़े हैं जीन जिले के गोगड़िया गांव में, और गोगड़िया गांव में आप मंदिर देखने लग रहे हो, और इस मंदिर में हर साल बहुत बड़ा मेला लग गया करा है। और ये मंदिर है जो श्री दादा नागदेव का मंदिर है, जो कि बहुत फेमस मंदिर है। और इस मंदिर में जो हर साल मेला लग गया है, वो उतरते बादवे की पश्चिम ना लगा है, यानी नागपंचमी के दिन है। तो नागपंचमी के दिन आड़ा हर साल मेला जो लगा है, तो सारी पूछांगे, क्योंकि आड़ा है, अगर बात करें तो बटेवा की और छोरिया की भी आड़ा ज्योतबत्ती लगा है, दोक लगा है। तो कितने गांव तो मतलब बटेवा और छोरी आड़ा आवे है पूजा पाठ करने। तो बहुत मान्यता बताई जाए इस मंदिर की, कि बहुत बड़ी मान्यता है जो नागदेव मंदिर है। तो बाकी जो आड़ा गाँव वाले हैं उन तक पूछांगे भी किस प्रकार त जो इसकी हिस्ट्री है, कि किस प्रकार से शुरू होया, किसने बनवाया, कैसे यो इतना प्रसिद्ध होया, क्यों इतनी मान्यता है इसकी। तो सारी चीज गांव वाले हैं तो उनते पूछने वाले हैं। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम बिलास है जी। गोगड़िया ते हो? गांव गोगड़िया ते जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को नागदेव सेवा समिति गोगड़िया और पूरे गाँव की तरफ से हम राम राम करते हैं, और सभी को कल नागपंचमी के दिन मेले में सादर आमंत्रित करते हैं। मतलब कल यानी 20 सितंबर को यहाँ पर मेला लग जाएगा कल, और जितने भी श्रद्धालु है सब आड़ा सका है। तो हर साल उतरते बादवे की पश्चिम नाड़ मेला लग गया है। तो यो मेला हर साल क्यों लगा सर? यो मेला ऐसा है मैडम, आज से करीब 350 साल के करीब है। अच्छा। हमारे गांव में एक औरत के बच्चा और सांप जुड़वा पैदा हुए थे। अच्छा। और उस टाइम में जैसे अब तो फोन का सिस्टम चल पड़ा, पहले चिट्ठी पत्री ना आएगा, पता भेज जाते संदेश। हाँ। जैसे महीना सवा महीना के बाद उसके परिवार के जो खान का लेके आ रहा अपना गूंद संधारा बोले, जो संधारा लेके आए, तो उस टाइम यो सीजन था बाजरा गुजरे, कटाई चल रही थी, वो खेत में पालना गाल रखे था उनका। अच्छा। और वो लामनी करने लग रहे थे, तो उसका मामा घर आसमान रख के सोचा खेत में गए हैं, वो आया खेत में तो उसने देखा पालना में लड़के के साथ सांप खेल रहा था। उसने सोचा कि भाई ये तो नुकसान कर देगा इसके, उसने उस सांप को वहीं पर मार दिया। मार के फिर उनके पास गया, कह रहा तुम इतने लापरवाह हो, लड़के को छोड़ गया अकेला, तुम यहाँ काम कर रहे हो, उसके पास तो सांप खेल रहा था, ले तुमने क्या किया? निलमन तो मार दिया, वो आगे देखा तो लड़का अभी मर गया, दोनों का मतलब जीव साथ में था। उस टाइम पुराने बुजुर्ग बतावें, कोई आकाशवाणी हुई थी वह इसकी पूजा पाठ करो, तो यहाँ का जो एरिया है, हमारे 5 गांव हैं, गांव गोगड़िया, कसून, कड़ता, बुसड़ा और रोजखेड़ा, और एक गांव था पापड़ा नाम से, उन्हीं के कुंडू परिवार में पैदा हुआ था, वो आजकल रेड़ा से ले गए। तो इन गाँवों में अगर इसकी पूजा करोगे तो मतलब इसका कट्टे आदमी कोई मरेगा नहीं, और ना भी मरिया भी नहीं कोई। शर्मा जोत तो नहीं गया जी, आप बता दो। शर्मा जोत लगाएं जो सवेरे 5 सवेरे 4 बजे है। अच्छा। जो कुंडो रह जाता हूँ मैं, पापड़ा काम था पहले, जो जहाँ बसे थे मैं, तो पहले 2 गुण की लग गई, बाद में 5 गाँव वाले तो चला गया। हाँ, जो गाँव यहाँ से चला गया, पहले 2 गुण की लग गई कुंडों की, तो फिर बाद में हमारे गाँव की 2 शुरू हो गए पंचों काम आ गए। तो मैं तो शुरू के पहले जी मारी वहाँ पुरानी नगदे वहाँ थी। अच्छा। तो वहाँ से बूढ़े पत्थर लेके यहाँ रख दिए मामने, यहाँ मैंने तो शुरू कर दी बुजुर्गान ने, मारा गांव माज मारा तो भगवान है जो इसकी मेहनत शुद्ध काम हुआ है, चाहे काम कहेंगे छेट दें, किसी को आज तक सांप ने मुँह लाया है नहीं, तो हमारा गाँव में गुजरा नहीं है। तो अरे मैं विद्यार्थी आए जो डॉक्टर जवाब दे जे हैं, तो हमारा बटे हुआ है खुद मेरा जीजा सा पाओगी छोड़ेगा, उसका सांप ने मूला रखा था कीड़ा ने, डॉक्टर ने ऐट गए उसके सको जीव अगर कैंसर ना हो जो, तो एक हफ्ता में वो सही हो गया घोड़ा वर्गा जमा। तो अरे से मरीज जाओ डॉक्टर जवाब दे जाए रोहतक पी जाए तो ठीक हो जाए, वो जी मारा लड़के का मूला रखे और रोहतक जा रहा है, उसका कुछ और बीमारी है, तो उड़े ठीक होगा दवाई से नहीं होगा कुछ। मैम राम राम सर। राम राम सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम दलवीर है, गाँव गोगड़िया। सर देखो मतलब मानता है जो अगर गांव की आसपास की मानता नु क्या करा के चलो आ जाए, लेकिन अरे छोरी बटे हुआ की भी मानता है खास कर जी, ये मामा की नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो सांप मार दिया था ना। हाँ। इसलिए मामा की नहीं है। हाँ, छोरी और बटेव की ज्यादा है। छोरी बटेव की देखो सर मतलब नुका छोरी ब्याई थी आई जा तो दो का अग लग गया करे, आगे पूजा पाठ करी जाया करो उसके नाम की, लेकिन आड़ा छोरी या क्लियर बटेव की। मैं बताऊंगा मैडम ऐसा क्या था, पहले जो लड़की ब्याई गई है। हाँ। और जिसके या तो बच्चा नहीं हो, पेट में गर्म ना हो। हाँ। और या चुची का दूध ना पीता हो बच्चा, वही लड़की भजन गागर दी, 7 प्रकार के भजन सांझी बोले यार जिसको, वो सांझी गागर दी छत के ऊपर, छत के नीचे तो नहीं निकला करती, छिड्डी लगा के बाहर ऊपर छत के ऊपर, ये मतलब 10-1 साल पहले बंद होया है ना, तो 350 साल से वही चल रहा था, इसीलिए उन लड़कियों की मान्यता पहले है।
और हाँ बटे हमारे गाँव की मतलब 100% पहुँचने की कोशिश करा कर, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो किसी का अलग बात है, नहीं लड़की लगभग 100% गांव की आती है। शादी शुदा लड़की ने छोड़ता नहीं जी आजकल कोई, पहले तो दो दो तीन तीन साल मायके रह जाती, अब छोड़ता नहीं जी कोई। मतलब जिस टाइम पे वो मेला लग है तो छोरी और बटे भी अड़ दो मारने जी, बिल्कुल वैसे तो रिश्तेदारी सारी आओ तो साले भी आने लग गए, मॉडर्न जमाना हो गया ना वो राज्य है। जैसे ये तो आपके गाँव हो गए, गाँव से अलग भी कितनी दूर तक? बहुत दूर दूर तक गाँव, जो जैसे जिसको पता लग जाता नहीं भाई इसके कांटे से वहाँ आराम होता है वो तो लगभग पहुंचता है। यूपी के, पंजाब के, राजस्थान के बहुत जगह। अच्छा एक जो अपने गांव में पहले ब्राह्मण बनिए ज्यादा होया करते बनिए तो वो सारे बाहर रहने लगे, तो वे भी सारे आवे हैं हर वो तो हर चतुर्थी को। सतवीर सिंह है। अच्छा यहीं से गोगड़िया से तो सारे ब्राह्मण बनिए आवे जो बाहर जा रहे, जो सारे चाहे यूपी में हो चाहे इंग्लैंड में हो उनका एक घर का जरूर आवा दी वाला और बाहर का जिसको भी मतलब तकलीफ है और जिसको मतलब ठीक हो गया है वो भी उस दिन उरे धोक लाना होगा। पूरा मतलब जो सांप ने काट रखा है वो तो मतलब 100% है, मतलब उसको तो कोई ये नागदेव का मंदिर है उसका तो कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, इसकी दो मारो जो इसकी नाग है दजा है गुड़ है वो चढ़ाओ और मतलब उसके जो फ्रेज हैं थोड़े भाई मिर्च नहीं खानी है, नमक नहीं खाना है, चेहरा पाई पे नहीं सोना है, मतलब ब्रह्मचारी रहना है, मतलब ये चार पांच फ्रेज है। पुजारी भी है। हाँ पुजारी है, पंडित है, कमेटी है यहाँ की नागदेव सेवा समिति कमेटी है और कमेटी ने पंडित लगा रखा है, सफाई वाला लगा रखा है, पार्क वाला लगा रखा है, चौकीदार लगा रखा है, सारे मतलब कमेटी की तरफ। तैयारी तो कई दिन पहले शुरू हो गया, तैयारी तो एक महीने से पहले तैयारी नहीं दूल्हे तो आए हैं दो चार दिन से, ये तैयारी एक महीने से पहले शुरू हो जाए, जो सफाई सफुई करनी है, पेड़ की छंगाई करनी है, रंग पेंट करवाना है या और झाड़ू पोछा तो, मतलब जैसे हर साल मेला लग गया है तो मतलब इस साल में जो मेला लग गया तो लगभग कितने आदमी आ जाए? मतलब आ जाए 5-6 हज़ार भी, 5-6 हज़ार आदमी, 6 हज़ार भी हो जाए 10 भी हो सके, वो तो श्रद्धालुओं के ऊपर बात है, मौसम के ऊपर बात है, बढ़िया मौसम हो जाए 11 हज़ार भी आ जाए। मंदिर के अंदर क्या उसकी मूर्ति मार्ति बना रखी? मूर्ति है, यस मैम, हाँ मूर्ति है। तो अंदर तो और एक बार आपने दिखा दे हैं, अड़ जो काम वाले हैं किस प्रकार से इसकी मान्यता मानी जा है कि लगभग 300-350 साल पहले यह मान्यता शुरू हुई थी। तो यो वो मंदिर है जिसकी दूर दूर तक पूजा हुआ है, जहाँ जो 4-5 गांव है ये बनाया गया है यहाँ पर। पुजारी की है? पुजारी ये मतलब सारी अंचाले जाता है? जोत चला है। अच्छा अखंड जोत है। घी की जी, देसी घी की। पूरे साल चल रहा है? पूरे साल, दिन रात बंद नहीं होती ना, पंडित जी इसकी सेवा कर रहे हैं। ये मतलब जो आपने वो कहानी बताई भी लड़का और जो सांप गिल्ला पैदा हुए थे, ओम आदित्य विष्णु रुद्रा विश्वे देव अमर, तो ये दोनों ने की तस्वीर बना रखी है लड़के की और सांप की, तो पुजारी साहब ये हैं, ये निश्चय पालना है जी, तो अन्य की तस्वीर बना रहे हैं। जमीन है जी अंदर गांव में है यही स्थान। अच्छा वो गांव में इनका मतलब जो शुरू में पूजा स्टार्ट हुई थी, अच्छा वो यहाँ ये खेत में इसकी जमीन थी, इसका स्थान यहाँ बना गया जो ईंट लाई थी, जहाँ उनका अपना खुद का मतलब मकान था उसकी यही मूर्ति मतलब यही रूप है गांव में स्थापित थी। राम राम पुजारी हैं जी, राम राम। क्या नाम है सर आपका? राम तेज शर्मा। सर आप कितने सालों से यहाँ पे? मैं 14 साल से। 14 साल से? हाँ जी। तो मतलब आपने भी ये सुनी होगी कि मतलब इस प्रकार का या कहानी जो हुई? हाँ नाग देवता की बहुत पुरानी कहानी है, इनका बच्चा का भी और नाग देवता का भी दोनों का जन्म हुआ था। बच्चा का नाम लखमीर है, दादा लखमीर का नाम था, ये दादा नाग देवता का नाम था जाने जावे हैं। तो न्यू कहें कि पुरानी बात है, उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी फोन वगैरह की, कि जिस टाइम मामा आया नहीं, घर कोई नहीं था। हाँ हाँ नाग देवता के नाम है डोरी पे खेल रहे थे, बच्चा सुत्या था,
तो मामा ने थैपया कि भाई कदे नाग देवता यू मेरे भैन जी ने डस ले तो उनकी ये ठंडा कर दिया। फिर बच्चा कहें कि बच्चा बोलिया था कि भाई जो हमारी पूजा करेगा नाग का कटे हुआ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मतलब आज भी इस चीज़ में इतना सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल, उरा कोई दुआई नहीं है, बिल्कुल उरा पूजा पाठ से ही किसी ने काट के तो लिया यूर है। हाँ, कोई चाहे 20 साल पुरानी मेहर हो भी ठीक होगा, आज का कटे हो भी ठीक होगा। दो पूजा उरा जो इसके वो है नियम है वो रखने पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज भी ये पूरा चमत्कार है, नाग देवता का पूरा पर्चा होगा। हाँ जी, और हमारी कमेटी का एक ही उसूल है, जो यहाँ खर्चा होगा इसका वो तो इसका होगा, जो हम मान ले सामान लेने जाएंगे जींद जाएं उचाणा जाएं चंडीगढ़ जाएं जयपुर जाएं वो मेरा खुद का खर्चा होगा, हम इस मंदिर की तरफ से 1 रुपया नहीं खाएंगे। कमेटी में कितने सदस्य हैं सर? कमेटी में 11 सदस्य, जो 11 सदस्य जाएंगे अगर चाय पियेंगे तो 11 ने चाय पी रहे तो अपना अपना पैसा आप देंगे। कमेटी चला रही है, जो खर्चा कमेटी के सदस्यों पे जो खर्चा होता नहीं कुछ सामान ले आने के लिए वो कमेटी अपना वो करती है। हाँ, जो 11 जने एक सामान लेने का तो अपनी जेब से लगाओगा, वो न्यू नहीं है कि वह कमेटी 1000 रुपया का सामान आ 1000 रुपये देगी कमेटी, वो न्यू नहीं है कि वह चाहे वो गड्डी में जाओ चाहे वो रेल में जाओ या जहाज में जाओ, वो अपना खर्चा बजाएगा, जेब से ही लगेगा उसका खर्चा। हाँ, तो ये देखो ये है श्री दादा नागदेव का मंदिर, जहाँ पे मतलब जो एक कथा बहुत प्रचलित है और ये जो अखंड ज्योत भी पूरे साल 24 घंटे चले जा है, तो यहाँ पर कल मेला लगेगा जो नाग पंचमी है कल 20 तारीख को, तो अगर आप भी आना चाहो, जितने भी श्रद्धालु है आस क्या है, बहुत बड़ा मेला है और कदे तो इसकी मानता है, करीब 300-350 साल तक इसकी मानता चली आ रही है, तो आपका क्या कहना है एक बार जरूर बताइए और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी श्रद्धालुओं के पास ये वीडियो जा सके और वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद।